हमास के मुजाहिदीन इसराइली शहरों अश्कलोन और शडरोट में दाखिल हो गए हैं। वो मशीन गन्स के साथ वस्ती शहर के चौकों पर गश्त कर रहे हैं। बताया जाता है कि फलस्तीनियों ने सिदरूट शहर पर कब्जा कर लिया है। ये गजा ज्यादा दूर नहीं है। हमास के मुजाहिदीन के जेरे कब्जा एरीज चौकी से 3 किलोमीटर दूर है। ये करीब ही था कि फलस्तीनियों ने कई इसराइली फौजियों को पकड़ लिया और एक IDF आर्मी की नकलो हमल पर कब्जा कर लिया। जहां तक अश्कलोन का ताल्लुक है, जिस पर सुबह 8 बजे रॉकेट का हमला किया गया था, ये गजा से 7 किलोमीटर के फासले पर वाकया है। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्ला फलस्तीनी मुजाहिदीन शहरों के मरकजी चौकों पर गश्त का एहतमाम कर रहे हैं। वो शहरियों और फौजी अहलकारों को कैदी बना रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि पंजाब के 30 अस्पतालों को अपग्रेड कर रहे हैं। पंजाब में 110 तरक्याती मनसूबे 10 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएंगे। मोहसिन नकवी की इंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन लाहौर चैप्टर के वक्त से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान इंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन लाहौर चैप्टर ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वज़ीर आला पंजाब को तजावीज़ दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन अरकान को ग्लोबल विलेज मॉल में सरमायाकारी की दावत दी और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हायल रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई। इंटरप्रेन्योर्स ने भी वज़ीर आला पंजाब को इंडस्ट्रियल स्टेटस में आसान शराइत पर अराजी देने की तजवीज़ का जायजा लेने की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी का कहना था कि वन विंडो ऑपरेशन के जरिए 36 महकमों के NOCs एक ही छत तले जारी होंगे। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर को वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के बोर्ड में शामिल किया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि पंजाब में गंदम का 600 अरब का गर्दशी कर्जा उतार दिया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्मगलिंग रुकने से डॉलर और इजनाब की कीमतों में कमी का रुझान है। कश्मीरी बैनुल अक्वामी तंजीम के चेयरमैन राजा सिकंदर खान, जो कि डायस्पोरा की नुमाइंदगी करते हैं और मारूफ थिंक टैंक ग्लोबल पाक कश्मीर सुप्रीम कौंसिल को सेंट्रल लंदन में इंसानी स्मगलिंग रोकने की कॉन्फ्रेंस में मेहमान मुकर्रर के तौर पर एजाज से नवाजा गया। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकार डॉक्टर रमजी ने डॉक्टर सैफ बख्शी और उनकी टीम के साथ किया था, जिसमें जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले मुकर्ररीन ने अपने ख्याल का इजहार किया और कई बिलियन डॉलर की इंसानी स्मगलिंग की तिजारत से निमटने की फौरी जरूरत पर जोर दिया। इस दिन उन्होंने कारोबार में बेगुनाह रजाकार मर्दों, औरतों और बच्चों का अगवा और स्मगलिंग शामिल है, जिन्हें गुलामी, जबरी मुशक्कत और जिंसी इस्तेहसाल और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मगल किया जाता है। कॉन्फ्रेंस का आगाज डॉक्टर सैफ बख्शी की फोटो स्लाइड्स और मुख्तसर वीडियोस के जरिए इंसानी स्मगलिंग के बारे में इंतहाई जामे तफसीली प्रेजेंटेशन से हुआ, जिसमें इंसानी स्मगलिंग के अमल को दिखाया गया, जिसमें मुख्तलिफ मराहिल शामिल हैं, जिसमें भर्ती के बाद सफर और ट्रांजिट मकामात और इस्तेहसाल शामिल हैं। हर मरहला स्मगल शुदा अफराद की सेहत के लिए मुख्तलिफ खतरात का बाइस है और अच्छी तरह से वो नफ्सियाती, जिस्मानी और जिंसी इस्तेहसाल, जबरी और ज़बरदस्ती मादे के इस्तेमाल, समाजी पाबंदियों और हेरा फेरी के खतरे में हो सकते हैं। दीगर खतरात में मुआशी इस्तेहसाल और कर्जों की गुलामी, कानूनी अदम तहफ्फुज़, पेशा वाराना खतरात और काम करने और रहने के नामुनासिब हालात शामिल हैं। चेयरमैन राजा सिकंदर ने अपने खिताब में भारतीय मकबूजा कश्मीर में नौजवान लड़कियों और खवातीन के अगवा के हवाले से भी बात की, जहां उन्होंने सबसे पहले कश्मीर की तारीख के बारे में बताया कि कई दहाइयों से एक शाही रियासत थी, लेकिन गुज़िश्ता 75 सालों से इस पर भारतीय मुसल्लह फौज ने कब्जा कर रखा है। ताकत के जोर पर और जब से सपा भारतीय मुसल्लह फौज भारतीय मकबूजा कश्मीर में लड़कियों और खवातीन को छेड़छाड़, अस्मत दरी और कत्ल करके कश्मीरी आवाम पर मजालिम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। राजा सिकंदर ने सेमिनार में मौजूद हर फर्द से इंसानी स्मगलिंग के घिनौने जुर्म के खिलाफ लड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की भी दरख्वास्त की।